दिग्रस शहर के पुलिस थाने में बुधवार को एक व्यक्ति के खिलाफ 13 वर्षीय बालक की मां ने शिकायत दर्ज कराई है। किसी काम के बहाने से शाम को जंगल में बच्चे को ले जाने वाले व्यक्ति की चुंगल से छूटकर भागते हुए उसका बेटा घर लौटा। इस करतूत के पीछे उस व्यक्ति का आखिर क्या मकसद था, यह बड़ा सवाल है। पेश है दिग्रस संवाददाता जुबैर खान की यह खास रिपोर्ट। ये 13 वर्षीय करण मंडलीकर है और उसकी मां रेखा मंडलीकर है, जो पुराना बैल बाजार परिसर में रहते हैं। बुधवार को करण आरनी नाका परिसर में कुल्फी खाने के लिए कुल्फी के ठेले पर गया था। उस वक्त एक व्यक्ति ने वहां आकर उसे पंक्चर बनाने के काम का बहाना कर साथ चलने को कहा। करण ने मना किया, लेकिन वह व्यक्ति उसे साथ ले गया। करण के मुताबिक गांव से सटे देवरवाड़ी पेट्रोल पंप के आगे निम्बा रोड पर जंगल में उसे ले जाया गया, जहां दो अन्य लोग दारू पीते नजर आए। करण को कुछ शक हुआ, उसने उस व्यक्ति से किसी तरह से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की तो वह व्यक्ति उस पर हाथ उठाने लगा और उसकी गर्दन पकड़ने लगा। करण ने किसी तरह से अपनी गर्दन छुड़ाई और भाग खड़ा हुआ। रात 8 बजे के करीब घबराया हुआ करण अपने घर पहुंचा। इस चौंकाने वाली घटना से करण की मां सकते में आ गई और उसने दिग्रस पुलिस थाने का रुख किया। करण की मां के मुताबिक इस घटना में शामिल व्यक्ति का नाम प्रकाश हीरामन राठौड़ है, जो पास ही में रहता है। उस व्यक्ति ने ऐसा काम किस मकसद से किया, इसका उसे कोई अंदाजा नहीं है। प्रकाश राठौड़ ने बापुरा पंचर करार नेलं होतं, पण का नेलं हे आम्हाला काही माहिती नाही। कशामुळे नेलं, काय नेलं, तिकडे जंगलात नेलं आणि ते काय करत होता ते भी आम्हाला माहित नव्हतं। ते घाबरला होता, पळत आला म्हणून त्याच्या हातामधून सुटून आला ते, म्हणून ते घरापर्यंत आला। आम्ही पोलीस ठाण्यामध्ये तक्रार दिलेली आहे। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये पूरा मामला बेहद गंभीर नजर आता है। बहरहाल खबर लिखे जाने तक दिग्रस पुलिस में मामला दर्ज करने की प्रक्रिया जारी थी। उम्मीद है कि दिग्रस पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर शिकायतकर्ता के अनुसार दर्ज शिकायत में शामिल संदिग्ध व्यक्ति का मकसद ढूंढ निकालेगी, ताकि इस घटना की हकीकत उजागर हो सके और भविष्य में किसी अनहोनी घटना पर नकेल कसी जा सके। NBCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।